तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल अरीना। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कुछ मिनट पहले ही डेविड ऑर्नस्टाइन का ट्वीट आया है कि किलियन एम्बाप्पे हैज एग्रीड पर्सनल टर्म्स विद रियल मैड्रिड। ये तो कल ही लग रहा था। कल अगर आपको याद होगा फैब्रिजियो ने एक ट्वीट किया था कि एम्बाप्पे हैज डिसाइडेड हिज फ्यूचर बट ही विल पब्लिकली अनाउंस बिफोर गोइंग टू द फ्रांस फॉर ज्वाइनिंग द फ्रांस नेशनल टीम। तो फ्रांस नेशनल टीम को शायद 1 जून को ज्वाइन करेगा, उसके पहले अनाउंस कर देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन दे रहा है वो। अगर उसने डिसाइड कर लिया है, अगर उसको पीएसजी में रहना होता तो बता देता ना, नहीं बताया क्योंकि पीएसजी का एक मैच बचा हुआ है शायद मेट्स के साथ। ही इज बीइंग प्रोफेशनल, इसलिए वो नहीं अनाउंस कर रहा। ही इज वेटिंग, खत्म हो जाए, पीएसजी को रिस्पेक्ट दे रहा है, खत्म हो जाए फिर अनाउंस करेगा। दैट स्टेटमेंट क्लियरली इंडिकेटेड दैट ही हैज डिसाइडेड रियल मैड्रिड। इवन फ्रांस के यहाँ से भी सोर्सेस से आया था रिपोर्ट कि रियल मैड्रिड इज फ्रंट, इज अहेड एंड इज मोर लाइकली दैट किलियन एम्बाप्पे विल जॉइन मैड्रिड। लकी जो उनका वो है उसने ही ये रिपोर्ट किया था। एंड आज जब डेविड ऑर्नस्टाइन ने बोल दिया तो इट्स ऑलमोस्ट डन, बट वही अभी तक कोई सिग्नेचर नहीं हुआ, बट पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं, पर्सनल अग्रीड हो चुका है विद रियल मैड्रिड। डेविड ऑर्नस्टाइन एज आई सेड, डेविड ऑर्नस्टाइन ने बोला तो इट्स ऑलमोस्ट डन, एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड इज डन। थोड़े दिन में हियर वी गो भी हो जाएगा फैब्रिजियो का, डैम श्योर इस चीज पे। तो आई वॉन्ट टू नो विथ ऑल मैड्रिड फैंस हाउ हैप्पी यू आर। मतलब इतने दिन से सागा हो रहा था, बहुत मैड्रिड फैंस को डर भी लग रहा था क्या पता पीएसजी के पैसे से शायद चले जाए एम्बाप्पे, बट इट डिडंट हैपन। एम्बाप्पे चोज हिज ड्रीम टू गो टू मैड्रिड एट लास्ट। तो टू कमिट दैट हाउ हैप्पी यू आर एंड सब क्या व्यूज है। एम्बाप्पे हैज is going to Real Madrid and Erling Haaland has went to Manchester City. दोनों पे क्या views है आप लोगों के? Do tell me in the comments below. And there is an important update on Frankie De Jong as well. This week, Laporta, Alemany और Frankie De Jong even Xavi के बीच में एक meeting होगा according to the reports. There will be a meeting then. But Xavi has told कि Frankie De Jong is very key to the team. But we have to consider the economical situation as well. वही है इकोनॉमिक, वही है क्योंकि एंड इवन द प्रायोरिटी ऑफ फ्रैंकी डी यॉन्ग इज टू प्ले यूसीएल चैंपियंस लीग, वही इकोनॉमिकल चीजें को देखना पड़ेगा। तो इट्स नॉट गेट डिसाइडेड, बट बार्सिलोना विल इवैल्यूएट इफ दे आर विलिंग टू सेंड फ्रैंकी डी यॉन्ग, दे विल इवैल्यूएट हिज वैल्यू टू 80 to 85 million। तो लेट्स सी क्या होगा। और प्लीज टेल मी व्हाट यू ऑल फील अबाउट किलियन एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड, एस्पेशली आई वॉन्ट टू नो द व्यूज ऑफ मैड्रिड फैंस। डू कमेंट बिलो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Stay tuned guys, I will meet you in the next episode.